क्वेश्चन है कि व्हाई डोंट आई टूर, ठीक है, मैं टूर्स पे क्यों नहीं जाता, यू नो, एक दिन तो नहीं, 3-4-5 दिन के टूर्स जो होते हैं उन पर मैं क्यों नहीं जाता। चंद रीजंस हैं, फैमिली मेंबर्स, दो मेंबर्स हैं, मेरी अम्मी हैं और मैं हूँ, ठीक है। अम्मी को अकेला मैं घर ज़्यादा देर के लिए छोड़ नहीं सकता, ठीक है, पहला रीज़न ये, जो कि सबसे बेसिक है। दूसरा रीज़न ये कि टूर्स पे पैसे काफ़ी लगते हैं, काफ़ी भी नहीं तो मोर देन इनफ लग जाते हैं, ठीक है। एक छोटे से टूर के लिए भी अगर फ़र्ज़ करो आपने जाना ना कवानरान, मैं भी मुझे नामों का नहीं पता, उस साइड पे जाना ना आपने टूर के लिए 4-5 दिन के, तो 10-15 हज़ार तो आपके पास होना चाहिए। बाइक पे जा रहे हो, मिनिमम, बेयर मिनिमम मेरी नज़र में 10-15 हज़ार तो आपके पास होना ही चाहिए। बाइक के साथ 100 मसले निकल आते हैं, आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा रीज़न है जनाब के बजट, ठीक है, और मेरा फिल वक्त जो है ना, यकीन मानो तो दिल नहीं करता कि मैं इतने पैसे लेकर बाइक पे जाऊँ ज़्यादा दूर, मज़ा बड़ा आता है, ठीक है, बट इट्स अ रिस्क। तीसरा रीज़न रिस्क है जनाब, ठीक है, इतनी दूर आप निकल रहे हो अकेले या दोस्तों के साथ, ठीक है, अपनी बाइक पर, तो जब रोड पे आप जा रहे होते हो ना, इवन के 60-70 की स्पीड पर भी छोटी सी गलती या छोटा सा हादसा तो नहीं, आपकी छोटी सी गलती या आपके साथ होने वाली छोटी सी गलती भी एक बड़े हादसे का सबब बन सकती है, ठीक है। चाहे जितनी मर्जी सेफ्टी की हो, सेफ्टी बाइक पे है जो वो आपको छिलने से बचाती है, आपकी हड्डियां टूटने से आपको कोई चीज़ नहीं बचाती, सही है। अगर हड्डी बच भी जाए तो भाई दर्द बड़ी होती है, बाइक से हल्का सा भी गिरो ना तो पता लगता है हाँ जी गिरे हो, और बाइक का भी नुकसान होता है फिर, तो रिस्क, ठीक है। कार या जीप वगैरह या इस तरह की किसी चीज़ पर, एसयूवी पर जाना इज़ वे वे सेफर देन राइडिंग ऑन बाइक, ठीक है। बाइक इज़ ए ख़तरनाक सवारी, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सवारी है, ठीक है, मज़ा बड़ा आता है, ईजी भी है, ठीक है, सस्ती सी बाइक लो और निकल पड़ो जिधर दिल है, बट ख़तरा, बहुत ख़तरा होता है, ठीक है। मैंने कार क्यों नहीं ली, सिंपल सी रीज़न है, मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं कार किधर से लूँ, बाइक है मेरे पास, बाइक के पैसे थे ले ली, CD70 ली किस्तों पर, देन 2 साल वो चलाई, 2012 में ली, 2017 में सेल की, चलाने के बाद वो सेल करने का रीज़न ये था कि इंजन खुलने वाला था तो मेरा दिल था सेल ही कर, ठीक है, वो सेल की। फिर CG125 लिया, वो 44,000 का लिया था मैंने मंगोवाल से, उस्मान नामी लड़का, झूठा खबीस, ठीक है। अब भाई किसी के साथ बुरा करोगे तो वो फिर गंदे अल्फाज में ही आपको याद करेगा, दुआएं तो देगा नहीं वो आपको, अब मैं उसे गालियां ही दे रहा हूँ, ठीक है। जब बेसिकली सारा झूठ बोला था उसने बोला इंजन बिल्कुल ठीक है, बाइक आपके सामने है, मैं पूछता रहा भाई बाइक के साथ कोई मसला तो नहीं है, मुझे कौन सा देख के पता चलना है अंदर को कौन सा मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। कहता नहीं भाई बड़ा अच्छा है ये वो सब कुछ, तो पता लगा कि जी जनाब अंदर से इंजन की बना पट्टी हुई है, चाइना के पार्ट्स से इंजन बना हुआ था, लेकिन मेरा बड़ा ज़बरदस्त चल गया, ठीक है, साल एक चलाया मैंने, बड़ा ज़बरदस्त चल गया, चलाने के बाद थोड़ा सा मसला कर गया था, साल एक के बाद फिर वो 30,000 का सेल कर दिया, 30,000 का सेल करने के बाद ये इस बाइक में थोड़े से पैसे डाल के तो ये 80,000 रुपये की बाइक ले ली, सही हो गया ना, ये सारी कहानी है। तो ये थोड़े से रीज़न है मेरे 2-4 के मैं क्यों नहीं जाता। दो बंदे घर, अब समझ सकते हो आप, छोटे बच्चे तो नहीं, आप अगर आप छोटे बच्चे तो भाई स्टे अवे फ्रॉम बाइक्स, अगर चलानी भी है तो प्रॉपर, ओहो हो,
तरक्कियां 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 तरक्कियां, वाह खरियां लियो मौजां इच हैं डिंगे वालियां ते भी अल्लाह रहम करे। रोड जिन्हें बना सड़ी है के पा सड़ी है। बाकी ये रीजंस है मेरे, मैं इसलिए टूर पे नहीं जाता, ज़्यादा लंबे टूर नहीं करता। हाँ लाहौर जाना हो या इस्लामाबाद जाना हो तो सुबह निकल जाता हूँ, शाम को घर आ जाता हूँ, ठीक है, एक दिन का कोई नहीं मसला होता। वो एक दिन का मसला हो तो पैसों का भी कोई नहीं इतना जो ना खास इशू होता, ठीक है, बंदा दिन का गया रात को वापस तो आ जाता ना। हादसा तो उधर भी हो सकता है, हादसा तो लाला मुसा से गुजरात जाते हुए भी हो सकता है। एक दिन तो वो भी गया था, लास्ट सामने मेरे जा रहा था एंड उसकी बाइक के नीचे कुत्ता आ गया, गिर गए, क्या था, कुत्ता ही था ना, एक आ गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हम ही जानते हैं, ठीक है, इट वॉज हॉरिबल। बस जनाब ये रीज़न है एफ टी डिग्री कॉलेज, जनाब मैं एफ टी डिग्री कॉलेज का पढ़ाऊँ, ठीक है। सही है जनाब, इंजॉय करो, मैं जा रहा हूँ लाला मुसा, अल्लाह हाफिज़।